हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब बढ़िया होंगे, हम लोग भी बढ़िया है गाइस। और देखिए, अभी 4:45 हुआ है और मैंने बाहर धोया आज, और पूरा यहाँ पे पेड़ों में भी पानी दिया। और देखिए, यहाँ पे मैंने सूख भी गया है देखिए, और पोछा वगैरह लगा लिया है अभी सब मेरा, और पोछा भी हो गया है और धो के भी हो गया, बाहर भी धो लिया। अभी मैं ब्रूश कर रही हूँ, फिर नहाऊंगी। आज मुझे बाल वगैरह धोना है। और देखिए, यहाँ पानी डाला, पूरा ठंडी ठंडी हवा आ रही देखिए। और तो गाइस, मैं अभी ब्रूश वगैरह करती हूँ और फिर नहाऊंगी, उसके बाद मिलती हूँ गाइस मैं आपको, नाश्ता वगैरह बनाऊंगी उसके बाद। तो गाइस, मैं अभी आ गई हूँ किचन पे, और यहाँ पे देखिए, और मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है और नहा धोना कर लिया है। और आज देखिए, मैंने यहाँ पे बाल धोए हैं और मेरे बाल गीले हैं, अभी मैंने इस तरह खुले रखे हैं। और तो गाइस, अभी बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे घर की सफाई हो गई, नहा धोना हो गया, अभी बचा है कपड़ा धोना, और कपड़े में बाद में धोऊंगी, उससे पहले मैं अभी ये बना रही हूँ। और आज मैं लंच में, नाश्ते में क्या बना रही हूँ आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर मैंने ये बैंगन और एक आलू काट लिया है इस तरह से, और आलू थोड़ा इस तरह से कट कर लेना है। और यहाँ पर ये मैंने तूर दाल और अरहर की दाल भी बोलते हैं, तूर दाल भी बोले, अरहर मलका भी बोलते हैं, और गोवा में इसको तूर दाल बोलते हैं। और तूर दाल और मसूर दाल मैंने भिगा के वॉश करके अच्छे से रख दिया है पहले ही। और यहाँ पर दो देसी टमाटर लिए मैंने, देखिए कितने मस्त लग रहे हैं। एक कैप्सिकम लिया है, एक प्याज लिया है, और एक बिमला है। बिमला तो नहीं डालती मैं, और कल मैं लाई थी तो एक बचा है, डाल रही हूँ। और मैं आज शाम तो गाइस, मैं आज बच्चों के टिफ़न के लिए चीज़ पराठा बना रही हूँ, और रोटी भी बनाऊँगी, रोटी घर पे ही खा के जाएंगे सांभर के साथ। और मैं ना सादी दाल नहीं बनाती हूँ, ज़्यादा सांभर ही बनाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा पसंद रहता है उनको सांभर, और जल्दी भी हो जाता है। और देखिए, मैं अभी यहाँ पर अदरक पेस्ट कर रही हूँ, और मैंने चाय के लिए भी अदरक कूट के रख दिया है मैंने। और यहाँ पर मिर्ची भी मैं इसी तरह कट करके डाली हूँ, और सुबह सुबह बहुत हड़बड़ाहट रहती है तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ फटाफट। और तो गाइस, यहाँ पे मैं तेल डाल दिया है, और ये यहाँ पे हींग डालूँगी मैं। देखिए कितना कम तेल डाला, बहुत कम तेल यूज़ करती हूँ मैं। और दाल बना रही तो हींग डालना बहुत ज़रूरी रहता है, हींग अच्छा रहता है पेट के लिए। निकाल लो, मैंने इतना अदरक लहसुन बनाया है, मिर्ची थोड़ा तीन डाला था इसलिए ज़्यादा हुआ, मैं इसको यहाँ पर रख दूँगी अदरक पेस्ट का है। तो गाइस, यहाँ पे देखिए, मैंने ये पत्थर दाल के ऊपर रख दिया है, क्योंकि मैं उसको भी वो अदरक पेस्ट करने वाला अच्छे से वॉश करके उसमें दाल में ही डाल लेती हूँ, इसलिए मैंने उसको वहाँ पे रखा है। और देखिए, यहाँ पे मैंने ये मेरा फ्राई हो गया है, अभी मैं वो डाल रही हूँ और अदरक पेस्ट। यहाँ पे ना मैं बड़े कुकर में ही बनाती हूँ दाल जो भी सांभर वगैरह थे, क्योंकि छोटे कुकर में ना बाहर आ जाता है और पूरा ये ढक्कन पूरा ख़राब हो जाता है, इसकी वजह से मैं इसमें ही बनाती हूँ दाल वगैरह बड़े इस पर। और देखिए, मैं यहाँ से सब निकाल रही हूँ। और यहाँ पर टमाटर भी मैंने साथ में ही डाल दे दी थी, टमाटर भी इस तरह चॉप कर लेना है। यहाँ पर दाल डालेंगे देखिए। तो गाइस, मैंने दाल डाल दिया है, अभी मैं यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अभी मसाला डाली हूँ मैं इस पर, मसाला ज़्यादा नहीं डालना है, और क्योंकि इतनी सारी सब्ज़ी डाली है तो उससे ही ज़्यादा टेस्ट आता है, और दाल का भी टेस्ट रहता है, बहुत अच्छा सांभर बनता है इस तरह बनाने से। और मैं हमेशा सांभर ही ज़्यादा बनाती हूँ, और सादी दाल भी बनाती हूँ। सादी दाल एकदम बनाने से ना ज़्यादा गैस बनती है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सब्ज़ी भी डाल देती हूँ, अच्छा रहता है, अलग से बनाना नहीं पड़ता है सब्ज़ी। और देखिए, अभी मैं सारे मिक्स करके इसको एक सीटी लगाऊंगी। और दाल मैंने 2 घंटे पहले ही भिगो दिया था, और मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, 4:30 बजे मैंने दाल भिगो के रख दिया था। तो गाइस, यहाँ का मौसम देखिए अभी कुछ इस तरह हुआ है, अभी मैं जा रही हूँ फूल तोड़ने के लिए। देखिए, अभी 4:45 हुआ है, इस तरह हुआ है यहाँ मौसम, उजाला ठीक से हुआ है। और यहाँ पे हमने लाइट जलाई, अभी अभी मैं फूल तोड़ के लाती हूँ गाइस, देखिए। तो गाइस, मैं दिखाती हूँ। तो गाइस देखिए, यहाँ अभी 7:45 हो गया, और यहाँ अभी तक भी लाइट जली है और ठीक से उजाला नहीं हुआ है।
और देखिए हमारे मैंने बाहर भी लाइट जलाया, यहाँ भी लाइट जली है देखिए, और यहाँ पर ना लेट से उजाला होता है, और अभी तो लाइट जली है और मोबाइल में तो थोड़ा दिख भी रहा है थोड़ा उजाला जैसा, वैसे तो ज़्यादा ही अंधेरा रहता है। देखिए मैं अभी फूल तोड़ने जा रही हूँ गाइस, ये देखिए यहाँ पे लाइट जल, और यहाँ का रास्ता ना इस तरह है, ये देखिए पूरा ढलान ढलान है। तो गाइस अभी ये फूल ना खिले नहीं है ठीक से, जब सन की रोशनी पड़ते हैं तब अच्छे से खिलते हैं ये फूल, येलो और रेड है, अभी उतने से खिले नहीं अच्छे से, और ये पिंक वाला है, और देखिए अभी हम फूल चढ़ाते हैं फिर मिलते हैं गाइस। तो गाइस अभी मेरा खाना बन गया है, सांभर बन गया, चावल बन गया है, और अभी जा रहे मैं चीज़ पराठा बनाना, और देखिए ये चीज़ लेके आए थे हम वहाँ विशाल मॉल गए थे वहाँ से लेके आए, और मैं बनाई ऊपर खाली चिल्ली फ्लेक्स डाली बाकी कुछ नहीं डाली हूँ, और देखिए मैं इसी तरह बना रही हूँ चीज़ पराठा, और इस तरह ये करके थोड़ा प्रेस कर लूँगी और इस तरह बेलूँगी। देखिए यहाँ मेरा चीज़ पराठा कितना मस्त लग रहा है, देखिए चीज निकलना शुरू हो गया। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैं दूसरा पराठा बना रही हूँ, और ये ना सब चीज बाहर निकल गया, देखिए कितना मस्त पराठा बना मेरा। तो गाइस ये चीज पराठा बन गया है, देखिए कितना मस्त लग रहा है, और पांच बनाए थे मैंने, पांच ही थे उसमें चीज़ के स्लाइस पांच थे, और पांच ही पराठे बनाए, एक खा लिया और दो दो टिफिन पर लेके जा रहे हैं, और देखिए मैं इस पर सॉस लगा के लेके जा रहे हैं। तो गाइस देखिए मेरे बेटे का टिफिन भी पैक हो गया है, और देखिए यहाँ पर मैंने आज दो ही डिब्बे में लेके जा रहा है, और आज मेरा फ्रूट्स भी ख़त्म हो गया, अभी जाऊँगी मैं लेके आऊँगी। तो गाइस मैं अपनी बेटी का और उनके पापा का टिफिन पैक करती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस अभी बच्चे भी स्कूल चले गए हैं और इनके पापा भी ड्यूटी चले गए हैं, और देखिए यहाँ पे अभी धूप इस तरह निकला है, और अभी ना सुबह सुबह आज बहुत हवा चल रही है, ठंडा लग रहा है अभी सुबह सुबह, और यहाँ पे अभी हमने पानी वगैरह भी डाला उसकी वजह से भी एकदम ठंडी हवा आ रही है। तो गाइस अभी मुझे कहीं जाना है, तो गाइस वीडियो एंडिंग में यहीं पर करती हूँ, आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आएंगे, मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर न्यू आए तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दिए, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, जय हिंद जय भारत।